और अब जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में सियासी संकट एक बार फिर से गहरा गया है। जयपुर में मौजूद मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन हाईकमान ने इन्हें यहां पर भेजा हुआ है ऑब्जर्वर के तौर पर। विधायकों से सीएम का प्रस्ताव पास करने की तैयारी इनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन यहां पर एक लाइन का प्रस्ताव पास किया जाना है उससे पहले ही यहां पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल हाईकमान द्वारा नया मुख्यमंत्री चुने जाने का एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाना है, लेकिन उससे पहले ही सीएम अशोक गहलोत के समर्थकों की तरफ से यहां पर इस्तीफा देने की खबर निकलकर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि 90 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है विधानसभा स्पीकर को, तो ऐसे में यहां पर ये सियासी संकट खड़ा हो चुका है जिसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से जो है निशाने साधे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रुक कर लेते हैं संवाददाता रघु गौर का। रघु, जरा यहाँ पर बताएं जिस तरीके से इस वक्त राजस्थान में सियासी संकट एक बार फिर से गहरा गया है, अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद चुनाव लड़ने को लेकर अब जिस तरीके से नया सीएम कौन होगा इस पर हाईकमान ने दो पर्यवेक्षक के तौर पर ऑब्जर्वर के तौर पर नेताओं को भेजा, लेकिन प्रस्ताव पास कराना तो दूर, यहाँ पर एक सियासी घमासान शुरू हो गया। अशोक गहलोत के करीब 90 विधायकों ने समर्थन में इस्तीफा दे दिया, तो एक नया सियासी घटनाक्रम यहां पर पूरी तरीके से इस वक्त राजस्थान में देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि ये प्रस्ताव एक लाइन का जो हाईकमान फैसला लेगा मंजूर सबको होगा, उस प्रस्ताव को पास करवा पाएंगे दोनों ऑब्जर्वर? क्या स्थिति फिलहाल इस वक्त बनी हुई है राजस्थान की सियासत में, जरा अपडेट दें। देखिए, अपडेट देना चाहूंगा, ताजा अपडेट ये है कि अभी अजय माकन जो कि प्रदेश प्रभारी है, जो कि ऑब्जर्वर के रूप में उनको राजस्थान ने भेजा था और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ऑब्जर्वर के रूप में आला कमान ने भेजा था, यानी कि राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर कल विधायक दल की बैठक थी, परंतु कुछ कारणवश नहीं हो पाई क्योंकि विधायक जो गहलोत खेमे की तरफ से जो विधायकों ने जो एकत्रित होकर के जो 90 विधायक बताए जा रहे हैं कि सीपी जोशी जो कि विधानसभा के अध्यक्ष है वर्तमान में, तो उनके आवास पर पहुंचे थे इस्तीफा देकर। और हालांकि अभी कोई इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, और अभी फिलहाल स्थिति देखी जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन अभी फिलहाल जयपुर के अंदर है और विधायकों से संपर्क करने की भी कोशिश की जा रही है, परंतु विधायकों का एक ही तर्क है कि अभी स्थितियां जो सीएम को लेकर के जो बनी हुई है, जो घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि पायलट खेमे के एक ही मांग है कि इस समय 19 अक्टूबर जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन जाता कांग्रेस का, तब तक यहाँ पर कोई बैठक नहीं आयोजित की जाएगी, कोई विधायक दल की बैठक में भाग नहीं लेंगे। और दूसरा प्रस्ताव ये रखा गया है राजस्थान जो विधायक गहलोत खेमे की तरफ से, जो 2020 के अंदर जब बगावत देखी गई थी सचिन पायलट ने जब कांग्रेस में बगावत की थी, तो उस समय 19 जो विधायक थे वो गहलोत सचिन पायलट के समर्थन में थे, यानी कि 19 विधायकों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए, जिन्होंने सरकार बचाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो 102 विधायक है उनमें 102 विधायकों में से किसी को भी सीएम बनाया जाए। वहीं तीसरा ये भी रखा गया था कि इसके अंदर जो आला कमान से जाकर के विधायक दल के तमाम जो गहलोत खेमे के जो विधायक है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब चुनाव होगा और गहलोत जीतते हैं, तो उस समय दिल्ली जाकर के हाई कमान से वो बात करेंगे, वो अपना अपनी जो स्थिति है राजस्थान की जयपुर को लेकर के आला कमान को साझा करेंगे। अब स्थितियां पूरी तरह से चरमरा गई है, क्योंकि प्रीति इस समय देखा जाए तो ताजा हालात के हिसाब से मैं बताना चाहूंगा कि विधायक हैं वो अभी सीपी जोशी के आवास पर जा सकते हैं और आवास पर जाकर के इस्तीफा मंजूर करने के लिए कह सकते हैं, हालांकि अभी इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। और बताया तो ये भी जा रहा था कि 90 के आसपास जो विधायकों ने इस्तीफा दिया था, हालांकि कल तक अगर मैं बात करूं रात तक की समय की जो इस्तीफे को लेकर के जो बात आ रही थी, 80 के आसपास जो विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था और 10 विधायक ही बताए जा रहे थे, परंतु उसकी तस्वीरें साफ तौर पर नहीं आ पाई है। अब ऐसे में जो आला कमान है राजस्थान की जो बिल्कुल अभी अभी राजस्थान के सियासत में और कई ट्विस्ट और मोड यहां पर अभी देखने को मिलेंगे। फिलहाल शुरुआत हो गई है क्योंकि गहलोत खेमे के विधायकों की तरफ से जो है विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया गया, 90 विधायकों के इस्तीफा देने का दावा यहाँ पर गहलोत गुट की तरफ से किया जा रहा है। अब हाईकमान इस पर किस तरीके से फैसला लेगा ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया रघु गौर, नजर बनाए रखिएगा, अहम खबर है, इस पर आगे अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तो फिलहाल एक बार फिर से सियासी संकट जो है वो गरमा गया है राजस्थान में, गहरा गया है सियासी संकट। मल्लिकार्जुन खड़गे अजय माकन जयपुर में ही हैं और लगातार उनकी कोशिश यही है कि वो विधायकों से बात करके एक प्रस्ताव पास करवा पाए, एक लाइन का प्रस्ताव पास किया जाना है जिस प्रस्ताव में ये है कि आलाकमान पर मुख्यमंत्री के चयन का फैसला छोड़ा जाए।
लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर विधायकों की तरफ से नाराजगी जताई गई और कुछ शर्तें यहाँ पर गहलोत विधायकों की तरफ से रखी गई हैं। चले फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।